सभी कॉपी कलम के साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। जहां जरूरत पड़ेगी आप प्रश्नों के स्क्रीनशॉट करते चलेगा और इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर करते रहेगा। पहला सवाल आपके बोर्ड आपके डिस्प्ले पर कह रहा है कि गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार होता है शून्य, अधिकतम, परिवर्ती, न्यूनतम। ये निःशुल्क क्लास मेरे द्वारा सभी के लिए देशित में राष्ट्रित में। जैसे क्लास में जुड़िएगा अपने सभी मित्रों को साझा करिएगा, शेयर करिएगा। ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रहा है। जी हाँ, फटाफट अंदाज में आप लोग इस प्रश्नों के जवाब देते रहिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर एकदम आप लोगों ने सही बताया है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार होता है। तो ध्यान रहे, मुक्त रूप से गुरुत्व के अधीन गिरने वाली जो वस्तु का भार होता है वो शून्य होता है, क्योंकि आभासी गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, अर्थात यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा शून्य। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम इसी के साथ बढ़ रहे हैं नए सवाल नए प्रश्न की तरफ। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में किस खगोलीय पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? शनि, चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र। जो भी वीडियो को देख रहे हैं फटाफट अंदाज में जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग फटाफट करिए, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? जवाब दीजिएगा जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, बताइए फटाफट कमेंट करके किस खगोलीय पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं पाई जाती है बताइए जरूर फटाफट कमेंट करके जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए हम इसी के साथ इस सेशन के और आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को मैं शेयर करता हूँ। आप भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को सभी साथी मित्रों तक पहुंचा दिया तो मुझे भी खुशी होगी और इस सीरीज को हम आगे थोड़ा सा तेजी से फटाफट अंदाजे पढ़ाएंगे। सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग भी शेयर करिएगा, वैसे हम लोग भी इसे शेयर करने के लिए तैयार हैं और तत्पर हैं। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सवाल है इस प्रश्न का उत्तर होगा चंद्रमा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी चंद्रमा बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। माने चंद्रमा ऐसा खगोलीय पिंड है जिसमें हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह भी है। कैसा है? एक प्राकृतिक उपग्रह है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नए प्रश्न की तरफ, थोड़ा सा फटाफट अंदाजे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है सवाल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में और बार बार आपसे कहना चाहता हूँ कि नहीं है सवालों पर सबसे ज्यादा हमें काम करना होता है, सबसे ज्यादा वर्क करना होता है, ताकि हम नहीं है वाले प्रश्नों को ज्यादा ज्यादा सही कर पाए। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे, खासकर ये जो नहीं है वाले प्रश्न है, ये नहीं है वाले जो सवाल है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। जी हाँ, पात्र के तल पर गुरुत्व के कारण द्रव का घनत्व, पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, द्रव स्तंभ की ऊंचाई। अगर हम बात करें यहां पर तो द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई जिसे हम h के नाम से जानते हैं, द्रव के घनत्व d तथा गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब द्रव का जो दाब है वो बर्तन के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, इसलिए पात्र के तल के क्षेत्रफल यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा सी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं इसी के साथ नए प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, गामा किरणों से क्या होता है? जो गामा किरणें हैं उनसे क्या होता है? जीन म्यूटेशन होता है, छींकना, जलन, ज्वर। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी मित्र इसके जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्योंकि ये सभी आप सभी के लिए काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण है। मैं वीडियो को शेयर करूँ फटाफट अंदाज में आप लोग जवाब भी देते रहिएगा जितने भी साथी इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं। जी अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जो गामा किरणें होती है ना, गामा किरणें वाई रेज, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम तथा भेदन क्षमता भी अधिक होती है। गामा किरणों से जीन म्यूटेन माने जीन उत्परिवर्तन हो सकता है, तो जीन उत्परिवर्तन हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जीन सभी लोग लिखना चाहते लिख लीजिएगा, उत्परिवर्तन, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? सभी लोग फटाफट अंदाजे बताएं जवाब, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कॉमेंट करके जवाब जरूर देंगे।
बताइए बिल्कुल फटाफट कमेंट करके। देखिए अगर हमें बात करूं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन तथा अन्य मूल कण जीवाणु तथा विषाणुओं के वायरस की संरचना, मानव मस्तिष्क के भीतरी भाग, मानव नेत्र का भीतरी भाग। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताइए। देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी है जिसे हम माइक्रोस्कोप के माध्यम से जीवाणु मतलब बैक्टीरिया तथा वायरस माने बैक्टीरिया और वायरस की संरचना को देख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर क्या होगा जीवाणु तथा विषाणु की संरचना को हम देख सकते हैं, अर्थात सवाल का उत्तर क्या होगा बी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी बताए थे तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं इसी के साथ नए सवाल और नए प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। देखिए डेली क्लास के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा। जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को, इस सेशन को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी मित्र इस सेशन को देख रहे हैं, तो अगर प्रश्न नंबर हम 6 की बात करें, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6 की बात करें, तो एनीमोमीटर जो होता है ये क्या करता है, एनीमोमीटर की अगर बात करें, एनीमोमीटर तो ये पवन की गति नापता, माने हवा की गति। मतलब सवाल का उत्तर क्या होगा, ए होगा। लेकिन यहां पर है कि डिजियोमीटर क्या है, तो डिजियोमीटर क्या नापता है, रेडियो धर्मिता मापता, ध्यान दीजिएगा रेडियो, सभी लिखना चाहे लिख लीजिएगा, रेडियो धर्मिता को मापने का काम करता है। अल्टीमीटर क्या करता है, ये विमानों की ऊंचाई, ये विमानों की ऊंचाई। क्रोनोमीटर क्या है, ये जहाजों से समय की माप करता है, किसे, जहाजों से समय की माप करता है। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट रख ले, वैसे मैंने चारों बता दिया। ताप उत्क्रमण होता है, जी हां, ऋणात्मक हराज दर, धनात्मक हराज दर, तटस्थ अवस्था में इसमें से कोई भी। तो जितने भी साथी मित्र हमारे साथ बने हैं आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं लगते आपके, लोगों तक पहुंचाइए। देखिए अगर हम बात करें ताप उत्क्रमण की, अगर हम बात करें तो वायुमंडल में वायु के कुछ ऐसे स्तर पाए जाते हैं जिसमें ऊंचाई के कारण ताप कम होने के साथ के स्थान पर बढ़ता, मतलब ताप कम होने के स्थान पर बढ़ता है। ताप के ऐसे स्तरों को ताप का उत्क्रमण कहा जाता है। अतः ताप का जो उत्क्रमण होता है ना वो ऋणात्मक हराज दर होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक हराज दर होता है, अर्थात इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है, ये बहुत बार परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, हमारी जो आकाशगंगा है इसकी आकृति कैसी है, वृत्ताकार है, दीर्घवृत्ताकार, स्पाइरल है। तो हमारी आकाशगंगा की जो आकृति है ना वो फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं प्रश्न नंबर 8 को, तो ये स्पाइरल है। कैसी है, ये स्पाइरल है। आकाशगंगा में दिखाई देने वाले पिंड जैसा आकाशगंगा, तारा, ग्रह, धूमकेतु, उपग्रह, ये सब खगोलिक पिंड कहलाते हैं। तो हमारी आकाशगंगा कैसी है, स्पाइरल है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी। तो जितने भी साथी मित्रों ने इन प्रश्न का उत्तर सी बताया थे उन सबके जवाब सही है। चाहे आपने इसे फेसबुक पे आपने बताया था, चाहे आपने इसे यूट्यूब पर बताया था, जहां भी आपने इस वीडियो को देख के बताया, अब सबके जवाब पूरी तरह से सही है। अगला है, किसी द्रव गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति होती है। सभी लोग जवाब दीजिएगा, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सही स्थिति क्या होती है, आपके हिसाब से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। तो यहां ध्यान दीजिए, कम तापमान और उच्च दाब, उच्च तापमान और कम दाब, कम तापमान और कम दाब, उच्च तापमान और उच्च दाब। तो अगर प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो उच्च तापमान और कम तापमान, मतलब सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। मैंने किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए उच्च तापमान और कम दाब वाली विधि सबसे सरल होती है। अगला आपके लिए, निम्नलिखित में प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे। सभी फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए अगर हम बात करें कि बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, आप भी जानते हैं, मैंने पढ़ाया भी लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में भी है कि बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे, जो आवृत्ति होती है सबसे ज्यादा होती है, और लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। इसलिए प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है बैंगनी रंग का सबसे अधिक और लाल रंग का सबसे कम होता है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आवृत्ति। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी आवृत्ति बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं इसके साथ एक नए प्रश्न की तरफ, एक नए टॉपिक की तरफ। अगला है, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए एक कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के क्या विभवांतर को, विद्युत धारा की प्रबलता को, प्रतिरोध को, धारा को, सभी लोग बताइएगा। देखिए एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य
को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये क्या होता है, विभवांतर होता है। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट, लिखना चाहते लिख लीजिएगा, वोल्ट होता है। ठीक है, अगला भारत में अणुबम के विकास संबंधित है, राजा रमन्ना से, कस्तूरी रंगन से, होमी जहांगीर बाबा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो भारत में अणुबम के विकास के श्रेय किसको जाता है, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट करके जरूर जवाब देंगे। जी हाँ, भारत में अणुबम की अगर बात करें तो विकास का जो श्रेय है वो राजा रमन्ना को जाता है। अर्थात सवाल का उत्तर क्या होगा, ए। बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ठीक है, नौका भी होगा ना, उच्च तापमान और कम दाब, तो यहां पर हम लोगों ने देखा, यहां पर है कि राजा रमन्ना। ठीक है, तो राजा रमन्ना के बारे में आप लोग जानते रहिए, पढ़ लीजिएगा कि भारत में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के उद्देश्य से 1948 में परमाणु ऊर्जा विधेयक कानून भी बनाया गया था। हम आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ। प्रिंस जी नौका फिर से देख लीजिएगा, सही है। यहाँ पे देखिए सामने प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा होगा, यहाँ कोर्ट वाले सवाल है, इसे मिलान करना है, उम्मीद करते हैं मिलान कर लेंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। कह रहा है कि इंजन, सितार, माइक्रोफोन, मीटर, युक्ति है ऊर्जा में परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल आपके परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, कई बार यही प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे अगर बात करें मोटर का, तो मोटर का काम है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अगर इंजन की बात करें तो ये क्या करता है, उष्मा को या उष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बदलता है। माइक्रोफोन जो है ये आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। सितार क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को आपका यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा बदलता है। तो प्रश्न नंबर 13 का जवाब क्या होगा, सभी साथी फटाफट अंदाज में जाएंगे और इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अर्थात सवाल का उत्तर क्या होगा, आपके हिसाब से बी होगा। तो जितने लोगों ने प्रश्न का उत्तर बी बताया उनका जवाब पूरी तरह से सही और स्पष्ट है। हम इसी के साथ बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है। ठोस अवस्था में हीरा है, ग्रेफाइट है, आयोडीन है, सोडियम क्लोराइड है। जी हाँ, प्रश्न नंबर 14 हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए पदार्थ के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर भी होगा। अगला सवाल है, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से एक ईंधन का काम करता है, डीजल, रेडियम, यूरेनियम, कोयला। सभी लोग जवाब दीजिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में, जब भी नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर होगा यूरेनियम 235। यूरेनियम 235, अर्थात सवाल का उत्तर क्या होगा, सी होगा, मतलब यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। भारत में थोरियम और प्लूटोनियम का भी ईंधन के रूप में भारत में प्रयोग किया जा रहा है इस समय, अगर इस समय की हम बात करें तो। अगला है, जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है। तो जब एक ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है, ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा जितनी अवशोषित होती है उससे अधिक निर्मुक्त होती है, ऊर्जा न तो निर्मुक्त होती है न ही अवशोषित होती है। तो याद रखिएगा कि जब एक तत्व के आयन दूसरे तत्व के आयन से संयोग करते हैं तो रासायनिक बंध बनता है, इसमें ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। प्रश्न नंबर 16 का जवाब जो है वो बी है। उम्मीद करते हैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे थे, जितने भी लोग इस सेशन को पढ़ रहे थे, उन सबका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चल रहा होगा और आप इसकी स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं जो लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ और देख रहे हैं। ठीक है, हम इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। अगला है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, नायलॉन है, केन शुगर है, टर्पेंटाइन है, हाइड्रोजन पैराक्साइड है। बहुत सरल प्रश्न है, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे। यहाँ पे पूछा केन शुगर की बात कर रहा है तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे लेंगे। मतलब कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाला एक पदार्थ होता है और ये रासायनिक यौगिक होते हैं। केन शुगर इसमें हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे प्रश्न का उत्तर ही विकल्प ही देखकर प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। केन शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, किसी के मन में कोई प्रश्न हो, इसमें कोलाइड नहीं है, जरा एक बार कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं किसमें कोलाइड नहीं है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से फटाफट अंदाज में जवाब दें किसमें कोलाइड नहीं है। सभी जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट करके। ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर आप सभी के लिए लाइव चल रही है और जब लाइव चल रही है तो जवाब तो देना चाहिए आप लोग को। एक बार हम और शेयर कर दे रहे हैं वीडियो को ताकि अन्य लोगों तक भी पहुंचता रहे ये क्लास।
यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित इसमें से कोलाइड नहीं है। देखिए इस बारे में हम लोग जानते हैं कि वह रासायनिक मिश्रण जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु के समान रूप से प्रक्षेपित करती है कोलाइड कहलाता है। तो दूध, दही, खून, नमक ये कोलाइड है, लेकिन आइसक्रीम, वसा ये कोलाइड नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात, अगर प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो शहद है, खून है, दूध है, आइसक्रीम हुआ, वसा हुआ, ये सब कोलाइड नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी होगा। और कोलाइड की बात करें, शहद है आपका, खून है, दूध है, नमक भी कोलाइड है, नमक जो है ये भी कोलाइड है। तो यहां भी आपको चीजें जाननी होगी, पढ़नी होगी, यहां परीक्षा में सवाल आते हैं। ठीक है, दूध हो गया, दही हो गया, इसमें भी कोलाइड है। निम्नलिखित कौन स्वरूप लौह अयस्क की बहुलता से होती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो Fe2O3, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताए हैं तो आपका जवाब पूरी तरह से सही और राइट थे। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अगला है स्क्रीनशॉट, जहां जरूरत पड़े प्रश्न की स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं। निम्न तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? सभी लोग जवाब दीजिएगा। और डेली क्लास के लिए मैंने आपको कई बार बताया, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा दुर्गेश सर सर्च करके, बिना स्पेस के ई लर्निंग भी दुर्गेश आएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। देखिए निम्न तत्वों में सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है, तो देखिए यहां पर प्रश्न के उत्तर की हम बात करें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो कार्बन होगा। अब इस कार्बन के विषय में थोड़ी बातें हम लोग भी जान लेते हैं। कार्बन को एक सार्वभौमिक तत्व माना जाता है क्योंकि इसके कुल यौगिकों की संख्या 500,000 से भी ज्यादा है। अन्य तत्वों की अगर यौगिक की बात करें तो उनकी संख्या लगभग 50,000 ही होंगी, ठीक है, जबकि तत्वों की यौगिकों की संख्या 50,000 लगभग है। अन्य तत्वों की अगर हम बात करें तो लगभग 50,000, लेकिन अगर हम कार्बन की बात करें तो कुल यौगिकों की संख्या 500,000 से भी ज्यादा है। तो सर्वाधिक यौगिक का निर्माण कार्बन करता है, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी होगा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आपके साथ एक नए सवाल, एक नए प्रश्न की तरफ। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे फटाफट अंदाज में जवाब भी दें, समझ में आ रही क्लास में, टाइम से सब लोग प्रतिदिन क्लास में बने रहिएगा। अब यहां पर है, किसका प्रयोग करके कठोर जल और मृदुल जल की पहचान की जाती है? तरल साबुन, तनु अम्ल, साधारण साबुन, अपमार्जक। देखिए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? साधारण साबुन। यहां पर कैसे? कठोर जल का अपमार्जन के साथ झाग देता है लेकिन साधारण साबुन के साथ झाग नहीं देगा। इसी प्रयोग करके हम मृदुल तथा कठोर जल की पहचान आसानी से कर सकते हैं। कांच क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 22 आपके लिए। कांच क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है, तरल क्रिस्टल है, अतिशीतित तरल है। तो हम कांच एक अतिशीतित तरल अथवा अक्रिस्टलीय स्रोत है। क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है, इसे हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस है। तो उम्मीद करते हैं इसे काटने के लिए हीरे का प्रयोग किया जाता है। आप भी जानते हैं कांच को काटने के लिए किसका? हीरे का प्रयोग किया जाता है। और कांच कई प्रकार के होते हैं, जल कांच होता है, पैरेक्स कांच होता है, सोडा कांच होता है, जेना कांच होता है, क्रुक्स कांच होता है, क्वार्ज कांच होता है। तो कई प्रकार के कांच होते हैं। आप इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट रख ले, हो सकता है ये प्रश्न ये आपके परीक्षा में कई बार काम आ सकते हैं। हो सकता है बहुत सवाल आपकी परीक्षा में पूछ ले, कई बार बदल के भी सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन ये आपके लिए अहम और इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला, किस प्रकार की अभिक्रिया सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा करती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, संलयन अभिक्रिया। तो जब हम इस तरह के सवालों की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रिया होती है। आपके सवाल का उत्तर क्या होगा? डी होगा। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा 1,000,000 डिग्री सेल्सियस एवं अधिक हानिकारक विकिरण पैदा हो सकती है। अनाज के परिरक्षण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट, सिरका, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सभी लोग जवाब देंगे जितने लोग प्रश्न नंबर 24 को देख रहे हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। अगर सोडियम बेंजोएट की बात करें तो NaCl7H5O2 सोडियम बेंजोएट, इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। इसका प्रयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है। यह बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है।
हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे देखिए, नोट संबंधी अगर आपको जानकारी की, तो यहाँ पे व्हाट्सएप करके कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया गया है, SSC है, BO, UP SSC है, PET है, लोअर PCS, RO, UP TET, पुलिस, CTET, सुपर टेट, अन्य जो भी नोट चाहिए आपको घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट रख लो, सकता आपके काम आ जाए। यहाँ पे प्रश्न है, जल के BOD मान बताते हैं। अच्छा, BOD का फुल फॉर्म मैंने कई बार बताया है, आज आप लोग बताइएगा कि BOD का फुल फॉर्म क्या होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि BOD का फुल फॉर्म क्या है। तो आप भी जानते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। BOD का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ये कार्बनिक कचरे की मात्रा को बताता है, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा को बताता है, जैव रासायनिक अपचयन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ओजोन की मात्रा। तो इसका आसान है कि जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा को बताता है, अर्थात इस सवाल का उत्तर क्या होगा, आपका बी होगा। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बताया वो सब सही है कि जल, अगर हम जल की बात करें तो जो जल है ये शरीर के जो तापमान को भी संतुलित करता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। एक बार मैंने कई बार बताया कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, इसलिए जब झील के ऊपर बर्फ जम जाती है मछलियां तली में जाती हैं, क्योंकि उस समय ऊपर तो 0 डिग्री कम हो जाता है, लेकिन जो तली का तापमान होता है जल का वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का BOD मान जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करने की एक कुंजी होती है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण था। आगे हम बात करें, वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। सभी साथी जवाब देंगे, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। हाँ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सही जवाब है, BOD का फुल फॉर्म। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे साथ। देखिए, यहां पे इस प्रश्न का उत्तर होगा हाइड्रोजन। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी हाइड्रोजन बताया तो आपका जवाब सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है, इसमें भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसका प्रयोग गैसोलीन के उत्पादन में, वनस्पति घी बनाने में, द्रव हाइड्रोजन रॉकेट के ईंधन के रूप में भी हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, शुष्क सेल का एनोड किससे बनता है? शुष्क सेल का नोट किससे बनता है? सभी लोग जवाब दीजिएगा। शुष्क सेल को मतलब ड्राई सेल कहते हैं, इसे ड्राई सेल। एनोड किससे बनता है? लोहा से, कैडमियम से, जस्ता, जिंक से, सीसा, लेड से, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, ये लोहा से। अगला है, पृथ्वी कितनी पुरानी, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? बहुत आसान है, बहुत बार आपके परीक्षा पूछा है। देखिए, पृथ्वी कितनी पुरानी है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जवाब सभी लोग दीजिएगा, फटाफट कमेंट करिए। जो लोग हमारे साथ सेशन में बने हैं, जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं, देखिए, भूवैज्ञानिक समयमान, गुरुत्वाकर्षण पद्धति, जीवाश्म पद्धति। यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण। यहां पर C14 क्या है, कॉमेंट करके जवाब दीजिएगा। C14 क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करें, जवाब जरूर दीजिए। अगला है, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? वायुमंडल की ऊपरी, ओजोन की ऊपरी परत किससे बनी होती है? ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों की क्रिया, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन, ऑक्सीजन का उच्च दाब में आना, वायुमंडल में ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन की क्रिया। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, क्लास के टाइम में आप लोग को पता, आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे प्रश्न का। सब लोग जवाब दीजिएगा। दुष्यंत हैं, प्रिया जी हैं, श्रीकांत जी हैं, बस ये 3-4 लोग लग रहे हैं पढ़ रहे हैं, बाकी लोग सब सो रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणें, किरणों की क्रिया, वायुमंडल में ऑक्सीजन पर पराबैंगनी जो किरणें के प्रभाव से ओजोन परत उत्पन्न होती है, इसमें सड़ी हुई मछली की तरह गंध भी आती है। ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देती है, याद रखिएगा, ओजोन गैस जो है ना, ये चांदी की चमक को भी काला कर देती है। अगला है आपके सामने, कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रासायनिक तत्व को क्या कहते हैं? सभी लोग बताइएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, उसे हम क्या कहते हैं, सिल्वर आयोडाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोग इसका उत्तर बताएंगे, सिल्वर आयोडाइड।
इसका फॉर्मूला क्या होगा कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो सिल्वर को रजत कहते हैं इसलिए डी हो जाएगा यहाँ पर, आप लोग भी जानते हैं। कितनी वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, सोडियम क्लोराइड जो है, अगर सोडियम क्लोराइड जो होता है ये शुष्क बर्फ होते हैं, सोडियम क्लोराइड क्या होता है शुष्क बर्फ होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है बताइए, सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मूला क्या है, तत्व का क्या है इसका, जवाब दीजिए सभी लोग, कमेंट करिए। जब आप लोग जवाब नहीं देंगे तो फिर हम बताइए पढ़ा रहे हैं तो मुझे भी लगना चाहिए ना, हाँ यार आप लोग पढ़ा रहे हो, आप लोग भी मेहनत से पढ़ रहे हैं, आप लोग तो बोलते ही नहीं है। जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है, माता के डिंगम द्वारा, पिता के शुक्राणु द्वारा, माता के पोषण द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस सेशन को पढ़ रहे हैं। जी हाँ, ये पिता के शुक्राणु के द्वारा। जैसे किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो लोग कहते हैं नहीं महिला की गलती है, लेकिन ये जो होता है ये पुरुष के शुक्राणु के द्वारा ही होता है। पिता का जो गुणसूत्र यक्ष होता है, माता का गुणसूत्र यक्ष के संयोग करता है तो जाइगेट या लड़की होती है, और माता का यक्ष गुणसूत्र पिता का वायु गुणसूत्र संयोग करता है तब लड़का होगा। इसलिए शिशु का लिंग जो होता है वो पिता के शुक्राणु पर ही निर्भर करता है। तो बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते, जो अनपढ़ है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। अगला है, कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों की पुनः चक्रण होता है, इन जीवों को क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, अपघटक कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। तो बहुत आसान है, उसे हम अपघटक कहते हैं, क्या कहते हैं अपघटक कहलाता है, डिकम्पोजर कहलाते हैं, इन्हें हम मृतजीवी भी कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी अपघटक, इन्हें कहीं के मृतजीवी कहा जाता है। हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आप चाहें इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें, जो भी लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में हमारे साथ देख रहे हैं। कृत्रिम फीता कृमि क्या है, एंटोरोबियम टीनिया सिस्टोसोमा फेरिसोला, इसकी पीडीएफ आपको इलेनी विद दुर्गेश के ऐप पर, टेलीग्राम पर और इलेनी विद दुर्गेश के फेसबुक पर भी, इसकी क्लास खत्म होने के बाद इसकी पूरी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इसलिए परेशान ना हो, आराम से पढ़ें, बल्कि इस पीडीएफ को अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर भी कर दीजिएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सब लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। टीनिया सोलियम, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर भी जवाब दिया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। जो मनुष्य की आंत में अंतः परजीवी होता है यह एक, ठीक है। अगला है, लोहे की कमी से होने वाला रोग, ये तो बहुत आसान है, इसे सब लोग कर लेंगे। रिकेट्स किसकी कमी से होता है कमेंट करके बताइएगा, स्कर्वी किसकी कमी से होता है कमेंट करके बताइएगा, पोलियो किसकी कमी से होता है कमेंट करके बताइएगा, ठीक। ये गाइटर रोग क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, गाइटर रोग क्या होता है। देखिए, जो गाइटर रोग होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नया सुनने को मिला होगा, ये लोहे की कमी से होता है, इसमें गला फूल जाता है, इसमें क्या होता है गला फूल जाता है, तो ये लोहे की कमी से होता है, ये आयरन की कमी से होता है, और यहाँ पे ये आयोडीन के कमी कारण होता है, इसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन, थायराइड ग्रंथि जो होती है उसमें सूजन आ जाती है, ये आयोडीन की कमी से होता है और आयोडीन में भी लोहा होता है, इसलिए जो गाइटर होता है गले को फूल जाना, तो याद रखिएगा ये पूछा जाता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से होता है, गाइटर रोग कहा जाता है, इसे रट लीजिएगा, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है और यह लोहे की कमी से होता है आयरन, ठीक है। इसे घेघा रोग भी कहते हैं, ये गैटर रोग अलग होता है, थोड़ा घेघा से मिलता जुलता है। साइकस में प्रवाल मूल किसमें सहायक है, साइकस में प्रवाल मूल किसमें सहायक है, भोजन परिवहन में, स्थितिकरण में, जल अवशोषण में, जल अवशोषण और नाइट्रोजन की स्थितिकरण में। तो जो साइकस है इसमें प्रवाल मूल जल अवशोषण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, जल अवशोषण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मतलब इस सवाल का उत्तर क्या होगा, आपका सी होगा। जिसका व्यास 20 सेमी या उससे अधिक भी हो सकता है, ठीक है,
तो आप लोग चाहे तो इसे रट लीजिएगा। इसमें तनु में मंड निकालकर खाने वाले साबुदाने का निर्माण किया जाता है। इसके बीज अंडमान द्वीप के जनजाति द्वारा खाया भी जाता है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी सही और राइट आंसर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। आप लोग जरा कमेंट कर बताइए कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, केवल ऐसे ही क्लास में बने रहते हैं। हाँ, टाइम से क्लास में आप सब लोग जुड़ा करिए और अपने वीडियो को शेयर भी किया करिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला है, किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, धूप, क्लोरोफिल। तो यहाँ प्रश्न का उत्तर क्या होगा, किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा मिलती है, धूप कहें या सूर्य का प्रकाश? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी होगा। निद्रा रोग किसके कारण होता है? ट्रिपैनोसोमा, मिसेरिया, एंटमीबा, एस्चुरिसिया। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा। तो निद्रा रोग जो होता है ना, वो ट्रिपैनोसोमा की वजह से होता है। ये इस प्रश्न का सही जवाब होता है। एक प्रकार का जीन है जो एक कोशिकी परजीवी और फ्लैजिनेट प्रोटोजोआ से संबंधित है। इसमें रोगी को बहुत नींद आती है और एक संक्रामक बीमारी भी होती है, जानते रहिएगा। शहद में मुख्यतः क्या होता है? विटामिन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, बताइएगा। शहद मीठा होता है और इसके लिए इसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। मतलब एज समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य स्रोत चावल भी है, मक्का है, शहद भी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, याद रखिएगा, चावल और मक्का के साथ। दूध है, पके फल है, आलू हो गया, मांस हो गया, सलजम हो गया, ठीक है। ये डीएनए और आरएनए का घटक भी होता है। अगला है आपके सामने, मार्क्सवादी भौतिकवाद का विचार किसने आया? फ्यूरबैच को, एल्जिन को, डार्विन को, हेगल को? तो यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा हेगल को। ये एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा जो प्रयंचन शास्त्र, न्याय के सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांतों का जो विश्वकोश में प्रमुख ग्रंथ भी लिखे गए हैं। शल क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? रुधिर आदान, ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कुल्हे के जोड़ को प्रतिस्थान। तो आर्थोप्लास्टी जो है ना, ये कुल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन है। मतलब इस सवाल का उत्तर क्या होगा आपका, डी होगा। जो आर्थोप्लास्टी है ना, ऑस्टियोपैथी चिकित्सा की वह शाखा है जिसके अंतर्गत शल की क्रिया द्वारा अस्थियों की विरूपता ठीक करने की बात कही जाती है। इसके अंतर्गत आर्थोप्लास्टी भी आता है। अब हम आगे चलते हैं। यहां तक किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। किसी के मन में कोई डाउट हो? कोई डाउट नहीं है, कोई सवाल नहीं है। थायमिन कौन सा विटामिन है? B6, B1, विटामिन सी, विटामिन B2। सभी लोग बताइएगा। अगर हम थायमिन की बात करें, देखो विटामिन B6 में क्या है, सभी लोग बताइएगा। यह है पायरिडॉक्सिन है। विटामिन सी में क्या है, सभी लोग को पता होगा शायद, एस्कार्बिक। विटामिन B2 का नाम क्या है, बताइए सभी लोग, राइबो फ्लेविन। यहां पर विटामिन B1 हो जाएगा। मतलब सवाल का उत्तर क्या है, बी है। तो अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है, ठीक है। मतलब विटामिन B6 में पायरिडॉक्सिन है, विटामिन B2 में राइबोफ्लेविन है, विटामिन B1 में थायमिन है, विटामिन सी में एस्कार्बिक अम्ल है। स्क्रीन शॉट आप लोग पूरे का कर लीजिएगा। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। यहां पे मिलान करना है, ल्यूकेमिया है, फाइलेरिया है, मलेरिया है, एंजीफिलाइटिस है। तो एंजीफिलाइटिस जो है ये मस्तिष्क संबंधित है। और अगर मलेरिया की बात करें तो ये रक्त कोशिकाओं से संबंधित है। फाइलेरिया आप तो जानते हैं लसिका ग्रंथि से है। ल्यूकेमिया क्या है, ये बोन मैरो से है। तो अब इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। A का 5 है यहां पे, मतलब डी, ठीक। यहां पे देखिए, नोट संबंधी सभी जानकारी ले सकते हैं।
सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, एनटीपीसी सभी नोट्स आपके काम की है, आप चाहें घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं सभी लोग। और टेलीग्राम पर जुड़ेंगे तो आपको निःशुल्क क्लासेज और नोट्स भी मिल जाएंगी सभी लोग को। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश है, ठीक है। हम आगे चल रहे हैं, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। यहाँ पे है एंजाइम की गतिविधि करके परिवर्तन को नियंत्रित हो सकती है, मतलब एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है, आर्द्रता, पीएच, प्रकाश, बारिश। तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर होगा पीएच, जानते रहेगा आप लोग, यहाँ सवाल पूछा जाता है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक शरीर में ताप लगातार होने वाले जैव रासायनिक जो प्रतिक्रियाएं हैं उनमें सहायता करता है। यह एक प्रोटीन है, इसकी गतिविधि पीएच परिवर्तन को नियंत्रित करने का काम करती है। पायसीकरण क्या है? पायसीकरण क्या है? सभी लोग जवाब दीजिएगा क्योंकि यह सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पायसीकरण क्या है। वसा की छोटी छोटी गोलियों में भंजित करना, वसा का पाचन, वसा का अवशोषण, वसा का संग्रहण। अगर प्रश्न नंबर 44 की बात करें तो वसा की छोटी छोटी गोलियों में भंजित करना था सवाल, उत्तर क्या होगा? ये होगा वसा जल में अघुलनशील होती है, आप भी जानते हैं, लेकिन ये कार्बनिक घोलक कार्बनों में ये घुल जाती है। वसा का छोटी छोटी गोलकों में भंजित होना पायसीकरण कहलाती है। यह कार्य छोटी छोटी अंत में पित्त अम्ल द्वारा होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं में स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं में स्रावित होता है? पेट, कोलोन, मुखकोटर, इलियम। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पेट। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर पेट बताया तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। यह प्रोटीन के विघटन में सहायक भी होता है। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब किस से इंटीग्रेट होता है? कंप्यूटर का सवाल है, बताइए। ईमेल, टेनेट, यूजनेट, साउंड और मूवी फाइल्स, ए और बी दोनों, सभी इंटरनेट कम्युनिकेशन टूल्स में। जवाब सभी का आना चाहिए, गलत हो या सही हो। देखिए ईमेल में, टेलनेट में, यूजनेट में सही है, साउंड और मूवी फाइल्स में भी। तो यहां तक इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए और बी दोनों अर्थात सी सही है। वर्ल्ड वाइड वेब इनमें से किससे इंटीग्रेट करता है? एलयू का फुल फॉर्म क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है और उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं। एलयू का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लोकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका डी होगा। देखिए आज के टॉप 50 प्रश्न थे वो आज आपके सामने हैं, और आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों को साझा करिएगा। टेलीग्राम पर आप लोग सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके जुड़े रहेंगे तो क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो यहाँ से एक ही बारे में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को शेयर करिएगा, फॉलो नहीं किया तो फॉलो करके रखिएगा। नोट संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं सभी लोग। ये सभी क्लासेस जौनपुर जनपद चलती है। ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर सभी नोट, सभी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। एमएस एक्सेल में वर्कशीट पर मानों को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्यूज, टेम्पलेट, फॉर्मूला, चार्ट। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा, यहां पर होगा चार्ट का, मतलब सवाल का उत्तर होगा डी। जावा में है सूत्र, विधि, अपवाद, एप्लेट। तो जब भी जावा की बात की जाती है तो इसमें होता है सूत्र, होता है एक प्रक्रिया के अंदर नियंत्रण स्वतंत्र अनुक्रमिक प्रवाह होता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म संसाधितों का, आईसी चिप का, ट्रांजिस्टरों का, निर्वात ट्यूब का। प्रश्न नंबर 50 की बात करें तो सूक्ष्म संसाधित चित्रों का, अर्थात सवाल का उत्तर क्या होगा? आपका ये होगा। इस प्रकार आज के टॉप विज्ञान के 50 प्रश्न थे एनसीईआरटी, क्योंकि आप जब भी एनसीईआरटी की सीरीज पढ़ेंगे, एससीईआरटी किताब पढ़ेंगे तो पहले साइंस होता है, लास्ट में आपको कंप्यूटर भी पढ़ने को मिलता है। तो साइंस और कंप्यूटर की जो सीरीज है और साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है आपके साथ, इसमें आपने देखा होगा, और अंतरिक्ष विज्ञान भी इसमें है, मतलब हर उस टॉपिक को यहाँ पर रखा गया जहाँ सबके परीक्षा में सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रश्न आते हैं। तो सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्नों की सीरीज में आपका हमने सारे टॉपिक को पढ़ा, कोशिश किया है कि उसकी व्याख्या भी साथ में, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं इसकी व्याख्या भी करते चलेगा ताकि हमारे हमें आप लोगों को समझ भी आता रहे। आप चाहे तो हमारे साथ इसे लिखते भी चलेगा, और अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं कर शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके घंटा का बटन दबा के रखिएगा, और कोई प्रश्न कोई सवाल हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली क्लास फिर इसी समय होगी, इसलिए अपने क्लास में तैयार रहिएगा, सभी मित्रों को बता दीजिएगा क्लास की टाइमिंग क्या है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलते हैं इसी समय अगले दिन अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।